नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सब। माओवादी का अध्यक्ष प्रचंड संघीय गठबंधन के आसन स्थल पहुंचल, कालेन मैहर आयल। संसद में बजट पारित होबय से पहिने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली युद्धक अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री युद्धक अविश्वास के प्रस्ताव निष्कर्ष नहीं लागत है, बजट पारित कर नहीं देव नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णय। समिति सरकार देश के लिए आवश्यक रहा, सभा में कौन सारी खर्ची के कहब। अफगान का दक्षिण शहर रनीस में भी ट्रक हमला में फिर जान जाए वाला की संख्या 84 पहुंचकर। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल नया सरकार गठन के विषय में नेपाली कांग्रेस संघ भेल सात बुंदे सहमति से आंदोलनरत मधेशवादी दल आ आदिवासी जनजाति एवं थारू सब उठौने राजनीतिक मांग संबोधन कर के वातावरण बनल दावी केने। माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष दाहाल शुक्र दिन बेरिया में काठमांडू के खुला मंच में रिले अनशन बैसल संघीय गठबंधन के नेता सब के भेट के क्रम में मधेशवादी आदिवासी जनजाति आ थारू संबद्ध दल सब उठौने मांग संबोधन के लिए माओवादी आ कांग्रेस दुनू प्रतिबद्ध रहल बतौलन। वो कांग्रेस संघक सहमति के पहल मुदा में आंदोलनरत पक्ष संग वार्ता कर राजनीतिक मांग संविधान संशोधन कर संबोधन कर के उल्लेख भेल कहत वार्ता के निष्कर्ष में पहुंचाब आंदोलनरत दल से हो लचक होब पड़त बतौलन। तो सरकार परिवर्तन के बाद आंदोलनकारी अपन मां के लक आंदोलन कर नई परत में अपने विश्वस्त रहल बतौलन। आंदोलनरत मधेशी आदिवासी जनजाति थारू लगायत का जनता को समस्या राजनैतिक सहमति का आधार में सीमांकन लगायत का समस्या राजनैतिक सहमति का आधार में संविधान संशोधन गरेर गर्ने भनेर पहिलो बुन्दामा नै त्यही विषय राखिएको छ। त्यसकारण म के विश्वास गर्छु भने यो नयाँ सहमतिले औपचारिकताको लागि मात्रै होइन, समस्याको वास्तविक राजनैतिक समाधान गर्ने हिसाबले वार्ता संवाद र संविधान संशोधन हुँदै हामी फेरि एउटा नयाँ एकता नयाँ राजनैतिक वातावरण बनाउन सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल किछकाल संघीय गठबन्धन के नेता सबसँगै अनशन स्थलमा बैसल छलथि। वो संघीय गठबंधन में आबद्ध कलाकार सब के नाच से हो देख कर अनशन स्थल से घूरल छलत। संघीय गठबंधन से एक महीना से बेसी लंबा रिले अनशन शुक्र दिन संपन्न भेल। रिले अनशन संपन्न कर के क्रम में गठबंधन में आबद्ध प्राय दल के शीर्ष नेता अनशन में बैसल छलथ। मुदा रिले अनशन प्रति असंतुष्टि जनबत आयल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अनशन में उपस्थित नहीं छलथ। संघीय गठबंधन जातीय पहचान कायम होबज का प्रदेश सब बनाब के आ मधेश के जिला में अलगे दू प्रदेश कायम कर के नाम मांग सहित बीतल जेठ 25 गते से रिले अनशन शुरू कने छल। मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबंधन के दोसर चरण का आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत करीब 1.5 महीना से जारी रिले अनशन से हो शुक्र दिन स्थगित भेल। सत्ता संचालन संबंध में तत्कालीन देश के राजनीतिक अवस्था से हो चलायमान भेल। बीतला 3 वर्ष में राजकीय सुख भोग से अलग रहल मधेशी मोर्चा में फिर से सत्तारूपी सुख के छटपटाहट शुरू भेल। यद्यपि मधेशवादी दल के किछ शीर्ष नेता मांग संबोधन नहीं होब धर सत्ता सुख से दूर रह के प्रतिबद्धता करतो सत्ता के बात अबते मोर्चा आ गठबंधन विभाजन होत आयल दृष्टान्त। जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलौं आंदोलन में रहल मधेशी मोर्चा सम्मिलित गठबंधन के आगामी रणनीति की होब के चाहिए। अहाँ के बात जहना कहते जो मांग है मधेश के जो अधिकार के बात है, मधेश में जो दू प्रदेश के बात है, मधेश में तै लक अगर वहीठाम मधेश के मांग पूरा हो तो सरकार में जा सके है। लेकिन मधेश के मांग अगर पूरा नहीं कर रही हो सरकार तो मधेशवादी के सरकार में जाके कोनो उचित नहीं है। मांग हमर पूरा करैए, मांग के संबोधन करैए तो हम सरकार में जाए, यदि मांग के जे वास्ता नहीं करिए तो कोनो भी हालत में से सरकार में नहीं जाके। अखन के वातावरण में जे मधेशी मोर्चा के संघीय गठबंधन के
जब तक ओकर जे आराम जे छै जब तक ओकर जे मधेश के मांग छै ओ नहि पूरा होतै तब तक सरकार नहि जाइ छै। मधेशी मोर्चा के सरकार में अखन जाके कोनो उचित नहि छै कि जब तक मधेश के मांग पूरा नहि हेतै तब तक सरकार में जाना कोनो उचित नहि देख रहल छै। मधेश के मांग जे छै से संशोधन करू, चाहे ओहिमे पुनर्लेखन करू, तकर बाद जे छै से विचार कऽ कऽ जेबाक चाही, नहि तऽ ओना नहि जेबाक चाही। मधेशी मोर्चा के मांग 100% लागू कऽ दै छै, ताहि अवस्थामे मात्रे मधेशी मोर्चा यदि सरकारमे जाइ छै तब सारा मधेशके जनता यह खुशी रहतै। माओवादी आ कम्युनिस्ट कांग्रेस जे सरकार बनेतै ने ई की करतै, तऽ हमरा सबके मतलब जे तराइके आंदोलन कुछ सपोर्ट होतै, आशा है कि ईसब मतलब मांगतै कुछ भी मतलब करऽ सकी हेबे, मतलब उधर समर्थन करऽके है लेकिन सरकारमे भाग नहि दै छै। अखन तक कहै छी हम प्रथम एक पॉइंटमे हम रखने छी मधेशके मुद्दा। अब मधेश के मुद्दा केना होते, समाधान होते कि नहीं होते, आई समाधानों केना होते, द्वितीय बहुमत पहुँचबे न करते जब तक माल ऐसे न कुछ करते। मधेशी के मांग पूरे नहीं भेले तो सरकार में जाए के अथिये नहीं, जब हमारे मांगे नहीं भेले तो संविधाने में हमारे मांग नहीं सुनिश्चित भेले तो हमारा जाए के कोनो औचित्य नहीं। न्यू सरकार गठन यदि मधेशी मोर्चा के कोनो अपन पार्टी यदि यदि कर रहल छे तो वो तो सपोर्ट कर जाए उनके। माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी ओली भद्र सहमति नहि भेल अछि कहि कऽ दावी कयलाक बाद बाध्य भऽ कऽ सरकारसँ बाहर भेल बतौलक अछि। बैसाख 23 गते बालवाटारमे भेल 9 बुँदे सहमति आ 3 बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन करके कहि कऽ एमआलएके वरिष्ठ नेता सब जोर दऽ रहल समय ओली अस्वीकार कयलासँ सरकारमे रहके नैतिक हिसाबसँ ठीक नहि रहल ओ दावी कयने छल। सरकार परिवर्तन किया विषयमे बजारमे अनेक किसिमके हल्ला चलाबऽके कोशिश भेल, मुदा बजेट होइते राजीनामा देबऽके सहमति भेल छल, मुदा ओलीजी अखन आबि कऽ नहि हैत कहलाके बाद हमसब निर्भय भऽ कऽ बैसनाइ उचित नहि हैत, ताहि लेल नैतिक दृष्टिकोणसँ उचित नहि रहल। दहाल शुक्र दिन राजीपाट निवासमे संसारकर्मी सबसँ कहलनि गोरखा फुजेलके घटनामे सम्बन्ध नहि रहल 76 वर्षक वृद्धके पकड़ ओलीजीके नजदीकक वकील संलग्न रहल, पोखलडुंगामे सेहो तेहने बुझलाके बाद हमसब बुझलहुँ कि स्थिति गंभीर भेल। दहाल ओलीके शैली एकाएक आत्मकेन्द्रित भेल आरोप लगौलनि। माओवादीके समर्थन बिना प्रधानमंत्री बनब संभव नहि होबयके वास्तविकता बिसरि कऽ ओली सहकार्य संस्कृति लत्यबैत असगरे आगू बढ़ल हुनकर कहब छलनि। दीप कुमार उपाध्यायके भारतके राजदूतसँ फिरता बचाबऽके निर्णय महत्वपूर्ण किसिमके अछि, ताहिमे हमरा सब सङ्ग एको बेर सलाह करऽके चाही, दहाल कहलनि। अखन सरकार टिकाबैके डिजाइनसँ प्रेरित भऽ कऽ भारत आ चीनके बात जोड़ शुरू कयल गेल अछि, बैटरीसँ चलाबऽ जेहन बात शुरू करऽ लागल अछि। 37 मिनट लम्बा संवादके अधिकांश समय ओलीके आलोचनामे खर्च कयने दहाल ओलीके नाम नहि लऽ कऽ संघीयता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आ विरोधी सब हावी होइत गेल दावी सेहो कयलथि। ओना कऽ तऽ अपने समर्थनमे ओलीके किया प्रधानमंत्री बनौने प्रश्नक जवाबमे ओ कहलनि सुशील कोइरालाके राष्ट्रपति आ ओलीके प्रधानमंत्री बनायब नहि कहने रहती तऽ संविधान नहि बनैत। व्यवस्थापिका संसदमे बजेट पारित करऽसँ पहिने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्धक अविश्वासके प्रस्ताव उपर छलफल होयत। सभामुख ओनसरी घरती शुक्र दिन बिरियामे साउन 6 गते धरिके लेल संसदके बैसार स्थगित कऽ 6 गतेके बैसारमे अविश्वासके प्रस्ताव उपर छलफल कराबऽके निर्णय लेली अछि। ओ ई निर्णय संसद भवनमे सूचना साटि कऽ सार्वजनिक कयली। सभामुख घरती प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वासके प्रस्ताव दर्ता भेल अवस्थामे की कयल जा विषयमे संसदके नियमावलीमे स्पष्ट व्यवस्था नहि रहल, मुदा विगतमे अविश्वासके प्रस्ताव निष्कर्ष नहि लागऽ धरि अन्य एजेंडामे प्रवेश नहि कयने नजीर रहलासँ अपने नजीर अनुसार निर्णय लेने बतौलनि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि हाउसमा अरू केही पनि हाम्रो बिजनेसहरू अगाडि नबढाउने र सिधै यो अविश्वासको प्रस्तावमा नै अगाडि बढ्ने एउटा अभ्यास रहेछ हाम्रो नेवालीमा। संविधानमा यो यो बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने द्वितीय कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन, त्यसैले मैले परम्परातिर अगाडि बढेँ र परम्परामा एकवटा बैठकमा मात्रै त्यो चाहिँ केही बिजनेसहरू अगाडि बढाइएको रहेछ।
यसो मैले इतिहास पल्टाएर हेरिसकेपछि मैले के निर्णय गरेँ भने दलहरूको बिचमा सहमति भएको भए दुईटै अभ्यासमध्ये एउटा अभ्यास जुन पनि हामीले रोज्न सक्थ्यौँ तर जब दुवै पक्ष बिचमा एउटा आफ्नै आफ्नै प्रकारको अडानमा रहिसकेपछि मैले चाहिँ बहुमत के को अभ्यास भएको छ त्यो पक्षलाई रोजेँ र आज अब अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अब हाउसमा अरू बिजनेसहरू त्योभन्दा अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेँ र मैले आज सूचना तासेको छु। सभामुख भर्तीके निर्णयके प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदमे द्वन्द आनस जेहन षड्यन्त्र रहल कहित षड्यन्त्रके मुकाबला करके जवाब देलकै छ। एमालेके प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल बजेट पारित करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रमके सूचीके व्यवस्था कक पूर्णता होब बाँकी रहल विषयके एजेन्डा तोइक सभामुख भर्ती नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्रक षड्यन्त्र अनुसार काज कने आरोप लगबैत एमाले षड्यन्त्रके मुकाबला करत बतौलनि। सभामुख भर्ती अपने ककरो षड्यन्त्र आ इशारामे नै भक अपने विवेक प्रयोग कक निर्णय लेने बतौली। ओ अपन निर्णय ककरोमे आशंका उपजनाई स्वाभाविक रहल कहित भविष्यमे आशंका हटाबसका काज करब बतौलनि। नेपाली कांग्रेस बजेट पारित करस पहिने अविश्वासके प्रस्ताव उपर छलफल कराबके निर्णय सभामुख भर्तीके विशेष अधिकार भितर परत बतौलकै छ। कांग्रेसक नेता रामचन्द्र पौडेल दलसँग बीच सहमति कायम होब नै सकल अवस्थामे सभामुख एकटा निर्णयमे पहुँचऽ परत आ सहमति नै भेल अवस्थामे संसदमे कुन एजेन्डा उपर पहिले छलफल करायब से निर्णय लेनाइ सभामुखके क्षेत्राधिकार भितर परैत अछि से बतौलनि। कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अखार 29 गते अविश्वासके प्रस्ताव दर्ता करने छल। अविश्वासके प्रस्ताव दर्तासँगै बजेट पारित पहिले कि अविश्वासके प्रस्ताव पहिले से विषयमे दलसँग बीच विवाद होइत आयल अछि। विवादके कारण अखार 29 गतेसँ संसदके बैसार बैसन नै सकल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री विरुद्ध दर्ता कयल गेल अविश्वासके प्रस्ताव निष्कर्ष नै लागत धरि बजेट पारित गर्न नै देब निर्णय कयलकै छ। नेकपा माओवादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार अल्पमतमे पर्तो राजीनामा देब अस्वीकार कयलाके बाद अविश्वासके प्रस्ताव निष्कर्ष नै लागत धरि बजेट पारित गर्न नै देबके निर्णय कयलकै छ। माओवादी केन्द्र सेहो सम्मिलित सरकार बितल जेठ 15 गते अन्य बजेट उपर व्यवस्थापिका संसदमे अखार 25 गते छलफल सम्पन्न भेल छल। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयके शुक्र दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालके निवासमे बैसल बैसारसँ अविश्वासके प्रस्ताव उपर निर्णय भेलाके बाद मात्रै बजेट पारित करके निर्णय केने प्रवक्ता पम्फा भूषाल जनतब देलियै छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अखार 29 गते प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासके प्रस्ताव दर्ता गर्ने छ। सभामुख अनुसारी घटी सहमति सरकार देशके आवश्यकता रहल बतौले नै छ। सरकारके विषयके लऽ कऽ प्रमुख दलसभ बीच ध्रुवीकरण बढ़ि रहल समयमे सभामुख भर्ती संविधानके कार्यान्वयनके लेल सहमति सरकार आवश्यक रहल बतौलनि। सूचना तथा संचार मन्त्रालय आ आम संचार नीति तर्जुमेके लेल गठित उच्च स्तरीय समिति शुक्र दिन काठमाडौँमे केने कार्यक्रममे सभामुख भर्ती गणतन्त्र आ संविधानके लेल सङ्घीय लडल दलसभ मिलकर सरकार बनाबऽ पड़त बतौलनि। प्रमुख दलके नेतासभके सेहो उपस्थिति रहल कार्यक्रममे सभामुख भर्ती होब धरि सहमति सरकार गठन करय अन्यथा राष्ट्रिय मुद्दा समेत सहमति कायम कऽ कऽ आगू बढ़त दल सभके सुझाव देलनि। ओ बजेट पारित कऽ कऽ संविधानके कार्यान्वयनमे ध्यान केन्द्रित करके अखनके समय दलसभ बीच विवाद करके समय नै रहल कहैत सहमतिके साथ आगू बढ़ पड़त जनताके आवासके व्यवस्था कयल गेल तऽ देश जटिल अवस्थामे धकलायत खतरा रहल बतौलनि अछि। बजेट पारित करके विषयमे दलसभ बीच बात नै मिलाके बाद व्यवस्थापिका संसदके बैसार शुक्र दिन सेहो बिना विश्लेष स्थगित भऽ गेल। संसदके बैसार शुक्र दिन बेरिया 1 बजेके लेल तय कयल गेलमे बैसारके कार्यसूचीके लऽ कऽ खास कऽ नेकपा एमाले एक दिस तथा नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र दोसर दिस ठाढ भेलाके बाद सभामुख अनुसरी घरती बैसार सूचना साटि कऽ स्थगित कयलियै छ। सभामुख भर्ती संसदके बैसार साउन 6 गते भिनसर 11 बजे बैसल जका स्थगित कयलियै छ। बैसारके लेल बजेट पास करके कार्यसूची पहिले तय भऽ चुकलाके कारणसँ सहमति अनुसारके एजेन्डा अनुसार बैसार चलाबके नेकपा एमालेके आग्रहके नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र अस्वीकार कयने अछि। सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमे दर्ता गराउने अविश्वासके प्रस्तावके सामना गरेर बतौलकै छ। सरकार मन्त्री परिषदक बैसार मार्फत अविश्वासके प्रस्ताव दर्ता गराउने नेपाली काङ्ग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्रके अविश्वासके प्रस्तावके सामना गरेर जवाब देलकै छ। मन्त्री परिषदक शुक्र दिन प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमे बैसल बैसारसँ अविश्वासके प्रस्तावके सामना कऽ संविधान बमोजिम आगू बढ़के निर्णय केने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई जनतब देलनि अछि।
अविश्वास के प्रस्ताव के सामना कर सरकार संग बहुमत नहीं है। यद्यपि बैसार में प्रधानमंत्री ओली अविश्वास के प्रस्ताव विरुद्ध बहुमत जुटाव नहीं सकता पद गेल तैयो संविधान के संक्रमणकालीन व्यवस्था में नया सरकार गठन के विषय में स्पष्ट व्यवस्था नहीं रहला के कारण से काम चलाओ सरकार के रूप में काज करब बताने बैसार में सहभागी मंत्री सब जानकारी दिलक। सरकार विभिन्न दुटा निकाय में तीन गोटे के नियुक्ति कलक। नया सरकार गठन के कसरत में लागल नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र दैनिक कामकाज के सामान्य काम बाहेक राष्ट्रीय महत्व राखवाला आ दीर्घकालीन प्रभाव पारे वाला विषय में निर्णय नहीं लेब ध्यान आकर्षण करने प्रति भी ने सरकार लगानी बोडा ऋण असूली न्यायाधिकरण में सदस्य नियुक्ति के निर्णय कलक। मंत्री परिषदक शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाठार में बैसल बैसार से लगानी बोर्ड में भवानी राणा आ राजेश काजी श्रेष्ठ के नियुक्ति कर के निर्णय कलक। राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष हेत मंत्री परिषद बैसार से ऋण असूली न्यायाधिकरण के सदस्य में मान बहादुर अर्याल के नियुक्त कर के निर्णय कने सूचना तथा संचार मंत्री शेरधन राय जनतब दिल। सरकार दू गोटे सहसचिव के सचिव में बढ़ुआ कर पदस्थापना से कलक। मंत्री परिषद बैसार से न्याय सेवा दिश के मणिराम ओझा आ उपराष्ट्रपति के कार्यालय में कार्यरत पुरुषोत्तम पौडेल के सचिव में बढ़ुआ का ओझा के सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आ पौडेल के मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत में पदस्थापन कलक। मंत्री परिषद बैसार से बाजा आ चल नहीं सक वाला मुदा विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक आदित्य दहाल के नाम में खुजल आदित्य प्रतिष्ठान के 1 करोड़ रुपया देवे के निर्णय कलक। गूगल बॉय कहकर चिन्हल जाए वाला आदित्य के नाम में खुजल प्रतिष्ठान के आवास आ साधना केन्द्र बनाव तथा सवारी साधन खरीद के लिए सरकार 1 करोड़ रुपया देवे के निर्णय कलक। बैसार से पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के विशिष्ट सेवा संचालन के लिए उपकरण खरीद कर 20 करोड़ रुपया देवे के निर्णय कलक। प्रधान मंत्री परिषद 5 दिन पहिने बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के सेहो 20 करोड़ रुपया उपलब्ध कराबे के निर्णय कने छल। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परियोजना स्वामी तथा ओकर सहकारी संस्था पैक नेपाल जनकपुर के 3 गोटे पत्रकार सबके पुरस्कृत कलक। वैदेशिक रोजगार संबंधी स्थानीय मुद्दा सबके अवलोकन तथा खोज तलाश कर सुरक्षित वैदेशिक रोजगार के लिए अहम भूमिका निर्वाह केने कहते स्वामी तथा पैक नेपाल अपन टीवी के पुरनशाह नागरिक दैनिक के जनकपुर संवाददाता सुरेश यादव आ मिथिला .com के संपादक धैर्यकांत दत्त के नगद राशि सहित 5,000 सहित पुरस्कृत कलक। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार के लिए पुरस्कृत 3 गोटे बाहेक जनकपुर के अन्य संचार माध्यम तथा पत्रकार सब सेहो अपन अपन हिसाब से सहयोग केने मुदा कार्यक्रम के तालिका में 3 गोटे के पुरस्कृत कर के तय रहला से प्रतिस्पर्धा के हिसाब में टेलीविजन दिश से अपन टीवी के साह स्थानीय अखबार के दिश से .com के दत्त आ राष्ट्रीय अखबार के दिश से नागरिक यादव के पुरस्कृत कैल गेल। पुरस्कार किछ होय तो हौसला बढ़के आ प्रतिस्पर्धा सेहो होबे के भेला से आगामी दिन में पत्रकारिता के माध्यम से वैदेशिक रोजगार में होय वाला समस्या न्यून हैत विश्वास कार्यक्रम के वक्ता सब लेने आई छह। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य करीब 22 गोटे पत्रकार सबके सेहो प्रशंसा पत्र सहित सम्मान कैल गेल छल। पैक नेपाल के कार्यकारी निर्देशक सुनील यादवक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पत्रकार महासंघ धनसाक उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र झा स्वामी धनसाक संयोजक देव नारायण मंडल सूचना केन्द्रक राम कुमार कर्ण पत्रकार सब वैदेशिक रोजगार के मुद्दा में अखनो उठाव नहीं सकल बतौलन। कार्यक्रम के संचालक प्याक नेपाल के कार्यक्रम अधिकृत बबीता दहाल के छी। श्रेष्ठनाथ नगर पालिका अंतर्गत हरिहरपुर स्थित श्री साना किसान तथा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड के 10वां साधारण सभा सम्पन्न भेल। हरिहरपुर स्थित श्री दुर्गा तलुसी राप्राविक के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह के बीच संस्था उत्कृष्ट किसान सबके सम्मान करैत अपन 10वां साधारण सभा मनौलक। समारोह में बजट प्रमुख अतिथि समाजसेवी एवं जीवन केन्द्र कमल पंकज किसान सबके पारिश्रमिक आ बचत से छोट किसान जेहन संस्था सब दिन दिन प्रगति कर रहा देश के आर्थिक क्रांति में किसान के अहम भूमिका रहा बताने आई छ। अब इकोनॉमिक न्यूज मूल्य वृद्धि सरकार के नियंत्रण से बेसी ऊपर पहुँचल। जेठ महीना में 11.1% से मूल्य वृद्धि भेल नया तथ्यांक राष्ट्र बैंक शुक्र दिन सार्वजनिक केने। खाद्य तथा पेय पदार्थ दुनू समूह के मूल्य वृद्धि दोहरो अंक में आ रहला से जेठ महीना के मूल्य वृद्धि उच्च रहल राष्ट्र बैंक के सार्वजनिक केने देश के वर्तमान आर्थिक स्थिति नामक मासिक प्रतिवेदन में उल्लेख। बीतल आर्थिक वर्षक जेठ महीना में उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.4% मात्र छल। सरकार चालू आर्थिक वर्ष में 8.5% में मूल्य वृद्धि नियंत्रण करके लक्ष्य रखने छल। जेठ महीना धरि में
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह के सूचांक 11.9% छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह के मूल्य सूचांक 10.5% से बढ़ल। राष्ट्रीय बैंक जनौल तरकारी दाल तथा गेड़ागुडी मदिराजन्य पेय पदार्थ लत्ता कपड़ा तथा जूत्ता समूह के मूल्य सूचांक वृद्धि दर उच्च रहला से वार्षिक बिंदुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति में थप चाप पड़ल। बीतल वर्षक जेठ महीना संग तुलना कला के बाद इस जेठ महीना में तरकारी के मोल 29.4% आ दाल तथा गेड़ागुड़ी के मोल 21.5% से बढ़ल। राष्ट्रीय बैंक जनौल जा खाद्य समूह के मुद्रास्फीति दोहरा अंक में पहुंचल। अब इंटरनेशनल न्यूज। फ्रांसक दक्षिण शहर निस में भेल ट्रक हमला में पड़ कर जान जाय वाला के संख्या 84 पहुंचल। फ्रांसेली क्रांति के दिन वास्टिल डे मनाब रहल समय में तीव्र गति में एक ट्रक भीड़ में फैसला के बाद ट्रक से पीछा कर 84 गोटे के मृत्यु भेल। पुलिस ट्रक चालक के गोली प्रहार कर मारि देने आई। चालक के साथ में बंदूक आ ग्रेनेड रहल प्रहरी जनौलक। फ्रांसक गृहमंत्री अखन धरि 80 गोटे के मृत्यु भेल आ 18 गोटे गंभीर घायल भेल बताने आई। चालक संग ट्यूनिशिया आ फ्रांस के कर दूटा नागरिकता रहल छल। घटना आतंकवादी होब सकबाक आशंका कयल गेल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। इंग्लैंड भ्रमण में रहल नेपाली क्रिकेट टोली 2020 खेल में इंडियन जिम खाना क्रिकेट क्लब के टोली के 20 रन से पराजित कलक। टॉस हार कर पहले बैटिंग कने नेपाल मध्यक्रम के बैट्समैन सागर पुन के अर्धशतकीय इनिंग के सहयोग में निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गुमैत 16.2 रन के योगफल बनौने छल। तेसर नंबर में बैटिंग में आयल सागर 48 बॉल में 4 चौका आ 1 छक्का के सहयोग में 58 रनक योगदान दिलन। नेपाल के लिए ओपनर तथा उप कप्तान ज्ञानेन्द्र मल से 20 बॉल में 38 रनक विस्फोटक इनिंग खेलन। अना दोसर ओपनर सुभाष खकुरेल 6 रन मात्र बनौला। कप्तान पारस खड़का 15 आ राजेश पुलामी 13 रन जोड़लन। विनोद भंडारी 2 रन, पेवेलियन गुरल राजू रिजाल अभिजीत 24 रन जोड़लन। बॉलिंग दिस इंडियन जिम खाना के पुनीत मेहरा आ आदित्य आर्चे 3-3 विकेट लेलन। 163 रनक लक्ष्य पछ्यौने जिम खाना के टोली इनिंग के अंतिम बॉल में ऑल आउट होत 142 रन में संतेला से नेपाल के 20 रनक जीत सुनिश्चित भेल। नेपाल के विक्रम शोध करण किसी शक्ति गोसन आ सागर पुन दू दू विकेट लेने छलत। बैटिंग के जिमखाना के पुनीत मेहरा 47 रन जोड़ने छलत। ओ ऑलराउंडर प्रदर्शन के बावजूद जिमखाना पराजित होब पहुंचल। विश्व फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटोनी फीफा के आचार संहिता उल्लंघन केने के छानबीन शुरू भेल। फीफा के एथिक्स कमिटीक सदस्य रॉबर्ट टोरेस शुक्र दिन धरि हुनका ऊपर छानबीन के सत्य तथ्य बाहर आव के बतौने छथि। इन्फैंटोनी अपना ऊपर लगौने आरोप गलत आ आधारहीन भेल बतौने अछि। हुनका विरुद्ध पूर्ण रूप में छानबीन करय लेल 90 दिन धरि के निलंबित होब सकबाक बतौने अछि। फीफा के प्रवक्ता बीबीसी संग कहने अछि इन्फैंटोनी कतौ चुकलथि से छानबीन करय के एथिक्स कमिटी हमरा सबके सम्मान करय पड़त। छानबीन जरूरी होइत जरूरी अछि, एहिसँ सत्य तथ्य बाहर आयत, एकर समीक्षा होयत। अंत में हेडलाइंस फिर से। माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड संघीय गठबंधन के आसन स्थल पहुंचल। कालेन मैहर आयल सिंह संसद में बजट पारित होब से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जुझक अविश्वास के प्रस्ताव पर छलखला। प्रधानमंत्री जुझक अविश्वास के प्रस्ताव निष्कर्ष नहीं लागत है। बजट पारित कर नहीं देव नेकपा माओवादी केन्द्रक निर्णय। समतीय सरकार देश के लिए आवश्यक रहा सभा में कौन सरी खती के कहब। फ्रांसक दक्षिण शहर निस में भेल ट्रक हमला में पेड़ जान जाय वाला की संख्या 84 पहुंचल। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।